अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल इन मास्क। कैसे हो आप सब? तो ये है निकाह का व्लॉग। सांचे के व्लॉग में आप जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर रह गए थे एंड सुबह उठ के हम लोग का ब्रेकफास्ट, तो अभी चल रही है काफ़ी लोगों की मेहंदी और मेहंदी के बाद में हम लोग जो है ना घर जाने वाले हैं तैयारियों के लिए निकाह के। निकाह के दिन सुबह ये ढोल वाला भी आ गया और अभी डेकोरेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। अभी का डेकोरेशन के चीज़ें भी आ गए और इसमें है ये वाली कुछ अल्फाबेट ऐसा बैनर और कुछ ऐसे अल्फाबेट एंड इसमें था बैकड्रॉप। काफ़ी चीज़ें हैं जो डेकोर के हैं, वेलकम का एंड ये और एक एक्स्ट्रा लगाने के लिए है एंड ये केक के लिए है एंड सम फ्लावर्स, तो इससे हम लोग डेकोर करने वाले हैं वॉल। तो हम लोग सोचे थे कुछ प्यारा सा वेलकम करेंगे भाभी का, तो ये सब चीज़ें आ गए थे तो हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिए थे जो है ना, वेलकम लग गया बाकी का लग रहा। तो डेकोर के लिए हम लोग सोचे थे वेलकम के बाद मिसेस एंड मिस्टर के बाद नेम्स के लगाना, और ये जो मिल गया था अल्फाबेट्स का तो उसकी वजह से काफ़ी ईजी हो गया था काम। तो ये था पूरा कंप्लीट डेकोर और सारे जनों के जो ड्रेसेस थे ना वो भी निकाल दिए थे आयरन एंड ऑल करने के लिए। मेरा ड्रेस मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डेकोरेट करने के लिए थोड़े बलून्स भी आ गए, रूम डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स एंड लोग भी आ गए जो डेकोर करेंगे रूम का, तो सारे चीजें रेडी है। यहाँ का डेकोर कम्प्लीट हो गया था तो नीचे के डेकोर में भी कुछ चेंजेस करे थे, तो वो टाइम तक हम लोग निकल गए थे तो मैं आपको वापस आके बताना सोची थी पूरा कम्प्लीट। हो जा रही हूँ निकाह के लिए रेडी और सारे लोग जो है ना रेडी होने चले गए अपनी अपनी जगह, तो अब मगरिब की अजा हो गई तो मैं भी रेडी हो जाऊँगी नमाज पढ़ के। एंड दिस इज माय प्रिटी आउटफिट का, तो मुझे यही कलर्स में चाहिए था कुछ पिंक एंड वाइटिश कलर्स में, तो मुझे मिल भी गया। लेकिन मतलब जैसे कि आप लोगों को मैं बोली थी कि निकाह मस्जिद में है इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा हैवी हो गया, बट स्टिल भाई की शादी है चलता है। तो ये है मेरा एक गाउन नहीं फ्रॉक बेसिकली, और इसके साथ मैं सोच रही हूँ पेयरअप करना ये दोनों में से कौन सी भी हील के साथ, आई गेस ये मैच करेंगी बिकॉज वो भी कंफर्टेबल होगी वो पहनूंगी या फिर मैं कुछ और कंफर्टेबल पहनूंगी बिकॉज मैं हील्स में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाऊंगी बिकॉज थोड़ा ही टाइम में है, हमें ईशा से पहले वहाँ पर रहना है बिकॉज ईशा में है नहीं कहा, तो मैं आप लोगों से रेडी होकर मिलती हूँ। टिल देन बाय, रेडी एंड वी आर गोइंग। यहाँ पर मस्जिद को आ गए, जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी निकाह का सेटअप मस्जिद में था। निकाह के लिए सारे जने जो है ना लाइट कलर्स में पहने थे जैसे कि लाइट पिंक, लाइट ब्लू एंड वाइट। और यहाँ है मेरे दो क्यूट भांजियों के आउटफिट्स, दोनों भी कुर्ते नहीं पहने थे। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया था और ये जो पैकेट्स थे ना हम लोग बनाए थे वो सारे लोगों को भी बांट रहे थे अभी। मस्जिद में जो है ना खाने के अरेंजमेंट में थी हलीम एंड चाय, तो घर जाके होगा प्रॉपर डिनर। ये होने वाले हैं नेक्स्ट दुल्हा दुल्हन, ये लोग के व्लॉग्स भी जल्दी आएंगे। और अब था रुखसती का टाइम और ये था भैया की तरफ से। अब हम लोग निकल रहे थे घर के लिए क्योंकि वहाँ भी वेलकम के लिए काफी चीजें प्लान करना था।
का डिनर की टेबल का सेटअप नीचे मरफा अभी भी बज रहा था। हाथों से देख डिनर हो गया था, अभी केक कट करने की बारी थी। इधर देखिए कि आया मरफा ऊपर, हम डोर बंद कर लेते हैं। लोग दुल्हन के ऊपर फ्लावर्स की बरसात कर रहे हैं। ये दुल्हन नहीं है, ये दुल्हन एक्स दुल्हन है। ये तो जाइए, दुल्हन आ रही है अब नीचे से। तो वो लोग के वेलकम के बाद में अब बारी है पैसे वसूल करने की। तो यहाँ पर रिंग ढूंढने के टाइम काफी मजा आया था, आप लोग पूरे क्लिप्स देखिए। काफी मस्ती मजाक कर रहे थे वो टाइम पे, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा डेकोरेशन शेयर करी रूम का, जो काफी प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। अभी घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि वलीमे का सारा सामान घर पे था, तो मैं नेक्स्ट डे वहीं से आऊंगी। दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, वलीमे की सुबह, और काफी लेट उठे और स्टार्ट करी दिन में कॉफी से क्योंकि काफी थकान है। और यहाँ मेरे वलीमे का ड्रेस, और यहाँ पे मैं ज्वेलरी भी निकाल दी, तो मुझे बैंगल्स भी निकालना है। अभी आँखों में काफ़ी दर्द हो रहा, बिकॉज आई डोंट नो वाई सुबह से काफ़ी आंसुआ भरे। ब्लाउज भी आ गया जो था टेलर के पास थोड़ा ऑल्टर कराने के लिए, तो मैं जल्दी से रेडी हो गया, आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ हो रहा था सारे जनों का हेयर स्टाइल, और मेरे पास घर से बस यही क्लिप है मेरे ड्रेस की। अब हम लोग फंक्शन हॉल के लिए निकल गए थे और पहुँच, दूल्हा दुल्हन की एंट्री बहुत ही प्यारी हुई माशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना मेरा थोड़ा सा फोटोशूट हो रहा था, एंड ऑल थैंक्स टू हफ्सा जो मेरे ब्लॉग्स के लिए काफ़ी क्लिप शूट करे। यहाँ पर जो है ना हम लोग डिनर के लिए आ गए थे, मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई वलीमे में, बिकॉज जैसे कि मैं बोली मेरे आईज में बहुत पेन था लेंस की वजह से। और दूसरी चीज़ मैं चाहती थी कि वो मोमेंट इन्जॉय करना व्लॉग शूट करने से ज़्यादा। दीदी अब दिख रहा क्लियर मुझे, सब दिखाई दे रहा है। अरे दो अलग अलग बॉटल्स में डालना था। फाइनली मेरे लेंस निकल गए थे पूरी दावत के बाद, फोटोशूट के बाद। और ये थोड़े क्लिप्स है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जब वलीमे की वीडियो आई थी तो मैं उसमें से थोड़े ले ली थी ताकि आप लोग भी देख सको जो मैं मिस कर दी शूट करना। एंड दीज वे फ्यू क्लिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। आई नो क्लैरिटी काफ़ी ख़राब है, बट देन मैं चाहती थी कि व्लॉग पूरा कंप्लीट हो और मैं आप लोगों के साथ हम लोग के आउटफिट्स भी शेयर। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा भी हो गया था, काफ़ी कुछ शेयर करना रह गया था, बट देन जितना भी करिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको सारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होगा। मिलते हैं सुमी की शादी के ब्लॉग्स में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।